इस वक्त की बड़ी खबर जो कि गोहाना से सामने आ रही है, भारी ओलावृष्टि से गेहूं की फसल खराब हो गई है। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और खराब फसलों की गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग भी किसान कर रहे हैं। ओलावृष्टि से कई गांवों की फसल जो है वो खराब हो चुकी है। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी ओलावृष्टि हो रही है और इसी ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल जो है वो खराब हो गई है और इसी के चलते किसानों ने सरकार से खराब फसल के मुआवजे की मांग की है और खराब फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग भी है किसानों की ओर से यहां पर की गई है। ओलावृष्टि से कई गांवों की जो फसल है वो खराब हो चुकी है, तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं ओलावृष्टि जो है किस तरीके से गोहाना में हो रही है, कितनी तेज बारिश यहां पर हो रही है, बारिश के साथ ओले भी यहां पर गिर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि गेहूं की जो फसल है वो इस मौके पर अपने अंतिम पड़ाव पर होती है और गेहूं की फसल को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है और भारी ओलावृष्टि से गेहूं के किसान जो है वो गेहूं की जो फसल है वो खराब हो चुकी है। देर रात से हो रही लगातार बारिश ने जो है किसानों की चिंता जहां बढ़ा दी थी, वहीं गोहाना में पिछले एक घंटे से लगातार ओलावृष्टि हुई है। इतना ओला पड़ा है कि आज तक गोहाना में इतनी ओला नहीं पड़ा। लोग जो है गोहाना में ही जो है शिमला का नजारा यहां ले रहे हैं। देखिए लोग जो है अपनी गाड़ियों को रोक कर सेल्फी ले रहे हैं और शिमला जैसा माहौल यहाँ फील कर रहे हैं। ठंड बढ़ा दी है, किसानों को भारी नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। इनसे पूछते हैं सर कितना नुकसान है, एक बार बताएं। पूरे गाँव में भारी नुकसान है जी और ये किसानों को मुआवजा सरकार ने जरूर देना चाहिए। बहुत भारी नुकसान हो रहा है, ये तो पूरी फसल बर्बाद हो रहा है। जो जमींदार तो फसल के ऊपर ही है, इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है भैया, फसल खराब होगी सारी। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द की जो खराब हुई फसलों की गिरदावरी कराकर जो है उचित मुआवजा दे। दोहारा से हरियाणा न्यूज के लिए सुनील जिंदल।